नमस्कार दोस्तों, संडे स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य वर्मा। आज मैं आपको बताने वाला हूं एमएस वर्ड के अंदर ये जो आप यहां पर देख रहे हैं राइट साइड में ये पांच ऑप्शन, ठीक है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन प्रिंट लेआउट, सेकेंड फुल स्क्रीन रीडिंग, थर्ड वेब लेआउट और फोर आउटलाइन और फाइव में ड्राफ्ट। इन पांचों ऑप्शंस का मैं आपको यूज़ करके बताऊंगा कि आखिर इसका यूज़ कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा और कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक्चुअली ये जो पांच ऑप्शन है, ये पांच ऑप्शंस आपको व्यू टैब के अंदर भी यहां पर दिख जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट व्यू के अंदर प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, ये पांचों ऑप्शंस दिख जाएगा जो यहां पे शॉर्ट में बना हुआ रहता है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है प्रिंट लेआउट। जब ये ऑप्शन ऑन रहेगा तो क्या होगा कि आपका यहाँ पर जो रूलर है वो रूलर दिखेगा, बॉर्डर दिखेगा, यानी कि सारा चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई देगा जिस तरह से आपको प्रिंट आउट होने के बाद शो करता है, ठीक है। अब सेकेंड ऑप्शन है, यहाँ से आप देख लीजिए फुल स्क्रीन रीडिंग। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपने जितना भी एमएस वर्ड के अंदर टाइप किया होगा वो हो जाएगा फुल स्क्रीन मोड। आप इसको एक बार में सब पढ़ते, देखिए यहाँ से ऊपर में देखिए आप इसे इस तरह से इसको फुल स्क्रीन में रीड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसे क्लोज करना है तो यहाँ राइट साइड में क्लोज करके क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन जो है वेब लेआउट। यानी वेब लेआउट का मतलब होता है कि जब हम लोग कुछ भी इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो जिस टाइप से वहाँ पर शो करता है, ठीक है, उसी टाइप से आपको यहाँ पर भी शो करेगा, ठीक है। मैंने वेब लेआउट पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने वेब लेआउट पे क्लिक किया तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये मेरा जो स्क्रीन है वो फुल स्क्रीन भी हो चुका है और वेब लेआउट हो गया, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ से इंटरनेट पर जब हम लोग कुछ भी चीज़ को सर्च करते हैं तो इस प्रकार से पूरी फुल्ली पेज में, ठीक है, आपका जितना भी बॉर्डर होगा वो बॉर्डर भी यहाँ से हट जाएगा। देख लीजिए, मैंने पेज के अंदर बॉर्डर लगाया हुआ था वो बॉर्डर भी यहां से हट चुका है, क्योंकि ये हो गया है वेब लेआउट, जिस तरह से हम लोग इंटरनेट पे यूज करते हैं कुछ भी चीज को जब पढ़ते हैं तो, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन है यहां पे आउटलाइन, ठीक है। जैसे ही आप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से ऑटोमेटिक बन जाएगा। यहाँ पे देखिए गोला गोला सा बना हुआ है, इसका यूज़ कहाँ होता है, जैसे मान लीजिए ये सेकेंड पैराग्राफ, ठीक है, ये देख लीजिए, मैं आपको सिलेक्ट करके बता रहा हूँ, ये मेरा सेकेंड पैराग्राफ है। अगर आपको इस सेकेंड पैराग्राफ को ऊपर वाला पर ले जाना है, ठीक है, ऊपर करना है, मतलब जैसे होता है ना असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये करना है, ठीक है, तो नीचे वाला पैराग्राफ को ऊपर करना है तो नीचे पर क्लिक करें और यहाँ से देख लीजिए ये वाला जो यहाँ पे ऑप्शन है मूव अप, तो आपको मूव अप यानी ऊपर जाएगा। आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, मूव अप पर क्लिक कीजिए, देखिए नीचे वाला ऑप्शन ऊपर चला गया और ऊपर वाला ऑप्शन नीचे हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको ये देख लीजिए ऑप्शन टू चेंज द ओवरऑल, इसको अगर आपको ऊपर करना है तो आप थर्ड वाला पैराग्राफ है ना, तो थर्ड वाले पैराग्राफ कहीं पर क्लिक कीजिए और मूव अप, देखिए ऊपर चला गया, एक और मूव अप तो ऊपर चला गया, अगर डाउन करना है तो मूव डाउन, मूव डाउन, मूव डाउन, यानी कि ऊपर नीचे आप इसे कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको थर्ड वाले पैराग्राफ को ऊपर करना है तो आप थर्ड वाले पैराग्राफ पर क्लिक करें और यहाँ से आप कर दे, देखिए ऊपर चला गया, इसका यही यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पे ड्राफ्ट। जैसे ही आप ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से आपके पास कुछ ऑप्शंस खुल जाएगा। ये सिंपल एक ड्राफ्ट ही होता है, इसमें अगर कोई भी इमेज अगर आप यूज़ किए हुए रहेंगे तो ड्राफ्ट में इमेज नहीं दिखाई देगा, ना ही आपके पास बॉर्डर दिखाई देगा, एक सिंपल नोट पैड के जैसा आपके पास दिखाई देगा जो सिंपल नोट पैड के अंदर होता है और कोई फंक्शन होता है। तो ये था आपका पांच ऑप्शंस जो एमएस वर्ड के अंदर था। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।